एक व्यक्ति मिलता है ईश्वर से। क्या आप कभी ईश्वर से मिले हो? एक छोटी सी कहानी इस कथन को समझाने के लिए। एक बार एक व्यक्ति ईश्वर की खोज में निकलता है। वह तय करता है कि जब तक उसे ईश्वर नहीं मिल जाते तब तक वह वापस नहीं लौटेगा। वह जिस भी व्यक्ति से मिलता उससे सिर्फ एक सवाल पूछता, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? क्या तुम उससे मिले हो? सब उसे अलग अलग जवाब देते। कोई कहता ईश्वर मंदिर में है, कोई कहता ईश्वर मस्जिद में है, कोई कहीं बताता, कोई कहीं बताता, और कोई कहता कि मैंने ईश्वर को देखा ही नहीं। वह व्यक्ति शहर गांव हर जगह ढूंढता है पर उसे कहीं भी ईश्वर का पता नहीं मिलता। फिर उसे याद आता है कि गौतम बुद्ध ईश्वर की खोज में वन गए थे। वह सोचता है कि उसे भी वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए, शायद वहां ईश्वर मिल जाए। इसलिए वह जंगल की ओर प्रस्थान कर देता है। जंगल में काफी दूर चलने के बाद उसे कुछ मिलता है। चौंकिए मत, उसे ईश्वर नहीं जंगली जानवर मिलते हैं। किसी तरह से वह उनसे बचकर भागता है। कुछ दूर और चलने के बाद उसे एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा दिखता है। वह उस व्यक्ति के पास जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम ईश्वर को खोजने आए हो? और क्या तुमने ईश्वर को देखा है? क्या तुम उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? वह व्यक्ति एक संत होता है। वह संत उस व्यक्ति से कहता है कि मैं ईश्वर को जानता हूँ और तुम्हें मिलवा भी सकता हूँ। वह व्यक्ति खुश हो जाता है और कहता है, तो जल्दी कीजिए, मुझे अभी ईश्वर से मिलना है। वह संत कहते हैं, क्या तुम्हें यह बड़ा वृक्ष दिख रहा है और यह नदी में बहता पानी दिख रहा है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुझे दोनों ही चीजें दिख रही हैं, पर तुम मुझे ये बताओ कि ईश्वर कहाँ है? वह संत कहता है, इस पेड़ की हर पत्ती में ईश्वर है, इस नदी के बहते पानी की बूंद बूंद में ईश्वर है। इतना सुनते ही उस व्यक्ति का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर देता है और कहता है, यह बकवास तो मैं पहले से ही सुनता आ रहा था और अब तुमने भी यही बकवास कर दी। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि ईश्वर कहाँ है तो ये फालतू की बकवास मेरे सामने क्यों कर रहे हो? वह संत उस व्यक्ति से कहता है, तुम क्रोधित ना हो, मेरे पास दूसरा भी मार्ग है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक रेगिस्तान है। जैसे ही तुम उस रेगिस्तान को पार कर लोगे वैसे ही तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। वह व्यक्ति सोचता है कि शायद यह मुनि सच कह रहा हो और शायद गलत, पर मेरे पास कोई चारा नहीं, मुझे जाना ही होगा और देखना ही होगा, क्योंकि बाकी सब जगह तो मैं ढूंढ चुका हूँ, एक बार इस जगह को भी देख लेना चाहिए। वह व्यक्ति वहाँ से चल देता है और एक रेगिस्तान में पहुँच जाता है। काफ़ी देर रेगिस्तान में चलते चलते अब उसे भूख और प्यास लगने लगती है। वह जितना आगे बढ़ता है उसे रेगिस्तान उतना ही बड़ा नजर आता है। वह सोचता है कि अभी तक तो मैंने रेगिस्तान को आधा भी पार नहीं किया है, मैं इसे पूरा पार कैसे करूंगा? और यहाँ पर तो कुछ खाने को भी नहीं दिखता और ना कुछ पीने को है। वह लगभग आधा रेगिस्तान पार कर लेता है पर अभी भी उसे रेगिस्तान का कोई भी अंत नजर नहीं आता। अब उसकी हालत बेहद खराब होने लगती है। एकदम से उसकी नजर एक पेड़ के ऊपर जाती है। उस पेड़ के नीचे एक पानी का मटका रखा होता है। उसे पूरा विश्वास नहीं होता कि उस मटके में पानी है या नहीं, पर वह दौड़कर उसकी तरफ जाता है और मटके में देखता है। मटके में पानी होता है। उसका गला एकदम सूखा हुआ है। पानी को देखते ही मानो जैसे उसे उसके खोए हुए प्राण मिल गए हों। वह पानी पीने को ही होता है कि
कि एकदम से वहां ईश्वर प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी खोज खत्म हुई, मैं तुम्हारे सामने साक्षात ईश्वर खड़ा हूं। वह ईश्वर की ओर देखता है और कहता है, क्या आप 2 मिनट रुक सकते हैं? और वह व्यक्ति मटके से पानी पीता है। इतना मीठा पानी इससे पहले उसने कभी नहीं पिया था। पानी पीने के बाद उसका मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और वह व्यक्ति बैठ जाता है। और फिर वह ईश्वर से कहता है, हाँ तो आप कुछ कह रहे थे। ईश्वर कहते हैं, तुम मुझे रुकने के लिए कह रहे थे जिसे तुम इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। मैं ईश्वर हूँ, तुम्हारी खोज पूरी हुई। पता है वह व्यक्ति क्या कहता है? वह व्यक्ति ईश्वर से कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ईश्वर नहीं। ईश्वर तो यह है जो अभी अभी मेरे गले से नीचे उतरा है। वह व्यक्ति ईश्वर से कहता है, जब मैं बहुत कष्ट में था तब मुझे तुम और यह पानी दोनों दिखे, पर मैंने पानी को चुना, इसलिए मेरा ईश्वर तो यह पानी ही है, तुम नहीं। ईश्वर उस व्यक्ति से कहते हैं, यही बात तो मैंने उस वन में संत के रूप में तुमसे कही थी, पर तुमने मेरी बात का विश्वास ही ना किया। अब तुमने स्वयं अनुभव किया है और अब तुम जान गए हो। मैं यही चाहता था। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यदि आज ईश्वर घोषणा कर दें कि उनके पास कोई शक्ति नहीं, उनके पास आपको देने के लिए कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, तो क्या तब भी आप ईश्वर में विश्वास रखेंगे? बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे, हाँ मैं ईश्वर में विश्वास रखूंगा या रखूंगी। पर वास्तविकता यदि आप स्वीकार करें तो ईश्वर में विश्वास रखने का केवल एक ही कारण है आपके पास, कि आपको उम्मीद है कि उससे आपको सुख मिलेगा, उससे आपको आनंद मिलेगा। हम सभी लोग ईश्वर के रूप में किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे। हमारे शरीर में हजारों लाखों काम हो रहे हैं जिन्हें हम नहीं कर रहे हैं, पर वो बिल्कुल समय पर अपने आप हो रहे हैं। क्या वह कम है? क्या वह ईश्वरीय नहीं? जब हम बहुत प्यास में होते हैं और जब हम पानी पीते हैं, क्या वह आनंद किसी ईश्वर को अनुभव करने से कम है? जब हम बहुत भूखे होते हैं और हमें भोजन मिलता है, क्या वह अनुभव किसी ईश्वरीय अनुभव से कम है? पर हमारा ध्यान कभी भी उस ओर जाता ही नहीं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस छोटी सी कहानी से अपने जीवन में एक बड़ी सीख उतारेंगे और अपने जीवन को पहले से और बेहतर बनाएंगे।